केंद्र कैबिनेट रे सांबादिक सम्मेलन आशुषी दास को नहीं चलछु रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का एक फ्रेमवर्क होगा और इसके लिए डेडिकेटेड आरएनडी फंड स्थापित किया जाएगा जिसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन और वेंचर कैपिटल फंड लाने का प्रयास किया जाएगा। चैलेंज मोड के द्वारा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का चयन किया जाएगा और इसके लिए भी 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हाइड्रोजन इकोनॉमी इकोसिस्टम से संबंधित सभी उद्योग आसानी से कार्य कर सकें, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ कंप्लायंस, इसके ऊपर मोदी सरकार का सदा फोकस रहा है, तो इसके लिए आवश्यकता अनुसार रेगुलेशंस, कोड्स और स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे। इस मिशन से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों में समन्वय एवं मिशन के सुचारू ढंग से संचालन करने के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप गठित किया जाएगा जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपर्ट्स भी लिए जाएंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी एक एडवाइजरी ग्रुप गठित किया जाएगा जो एम्पावर्ड ग्रुप्स को तकनीकी विषयों पर असिस्ट करेगा। देश में विभिन्न सेक्टर्स में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग बढ़े इसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श के आधार पर ट्रैजेक्टरी निर्धारित की जाएगी और इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए MNRE में, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में मिशन सेक्रेटरिएट स्थापित किया जाएगा और मिशन डायरेक्टर किसी ऐसे प्रोफेशनल को लिया जाएगा जो इस सेक्टर की डोमेन नॉलेज रखता हो और एक्सपीरियंस उसको हो, और मिशन सेक्रेटरी में सेक्टर के प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया जाएगा। इस मिशन के क्रियान्वयन से भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित किया जाए, इस दृष्टि से काम किया जा रहा है। 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य हम प्राप्त करें और जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उस दृष्टि से ये बहुत उपयोगी होगा। चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात हो, इन तीनों ही क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर होगा और ग्लोबल हब ग्रीन हाइड्रोजन का भारत बनेगा। ये बहुत बड़ा कदम, आज एक ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी की सरकार ने लिया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी देकर अब 2020 तक ग्रीन हाइड्रोजन की कुल डिमांड ग्लोबल की जो होगी, हमारा प्रयास है कि हम उसका कम से कम 10% भारत के लिए लाएं। इससे कुछ लाभ क्या होने वाले हैं? अगर मैं एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स की आपके लिए बात यहां पर करूं तो क्या क्या दिखते हैं आपको, जहां एक और 50 लाख टन एनुअल प्रोडक्शन हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का होगा, वहीं पर 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन एमिशंस एनुअली कम होंगे। और यही नहीं, हमारा जो इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल्स का है वो भी 1 लाख करोड़ की सेविंग उस पर होगी और हमारी इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी जो होगी वो हमारी 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की हमारी 2030 से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी के अलावा हमें चाहिए वो 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को भी हम तैयार करेंगे, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में हमें मदद करेगी। और इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, 8 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 2030 क्षेत्र में आएगी और सीधे तौर पर 6 लाख के लगभग जॉब्स इसमें मिलेंगी। इसके जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें भी साथ साथ में जॉब क्रिएशन भी होगी, वैल्यू एडिशन भी उस तरह से होने देखें, डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, मोबिलिटी और एनर्जी सेक्टर्स होगा, आयात करने पर और कमी आएगी, आयात करने में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा
और फॉसिल फ्यूल्स की जो हमें रिक्वायरमेंट विदेशों से रहती है उसमें भी कमी इसमें आएगी। इसमें कुल मिलाकर अगर खर्चा देखा जाए 19,744 करोड़ रुपया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए मंजूरी आज की गई है। जैसा मैंने कहा, इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए 8 लाख करोड़ रुपये की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, 6 लाख सीधे तौर पर इसमें जॉब्स क्रिएशन होगी, 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस एमिशन को अवॉइड किया जाएगा, कम होंगे, और 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का काम भी इसके माध्यम से प्रतिवर्ष किया जाएगा, कम से कम इतना किया जाएगा, और हमारी मोबिलिटी के काम भी और बाकी सबके काम भी आएगी। दूसरा निर्णय जो है वो भी एक ऐसे क्षेत्र में है, जैसा मैंने आपको अभी बताया रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो रिन्यूएबल एनर्जी 2012 तक भारत में 68,274 मेगावाट थी, जो बढ़कर 3,69,651 मेगावाट हो गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पे किस तरह से काम किया है, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है और एक तरह से पावर की कॉस्ट भी कम आई है, एनर्जी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने का काम किया गया है, और जो ग्लोबल स्तर पे भारत को एक नेतृत्व देने का काम करना था वो भी करने का काम किया है।